स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिबीगंज बरेली में। आज हम सीखेंगे उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सबसे पहला, ये उपसहसंयोजन यौगिक होते क्या हैं? तो ऐसे यौगिक जिनमें सीधे भाषा में कहें तो उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। ये उपसहसंयोजक यौगिक बंध होता क्या है, सबसे पहले तो इसी चीज को देख लेते हैं। हमने देखा है एक कंपाउंड है अमोनिया NH3, एक और कंपाउंड है दूसरा BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही कक्षा होती है और इसकी अंतिम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तब नाइट्रोजन अब हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, अर्थात साझेदारी करके बंध बनाता है। तो ऐसे बंधों को सहसंयोजन बंध कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने डॉट से डिनोट किया है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से यहां पर शो कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 ये रहे। क्या करता है हाइड्रोजन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। ठीक इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। अब नाइट्रोजन क्या करता है, इसे अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, इनको छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स या तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं तो उनकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी बाहरी कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 ही इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, 2 साझेदारी के ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, हो गए कुल 6 और 2 ये हैं। यहां पर इस तरह से साझेदारी की और इसका रूप हो गया नाइट्रोजन। यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो मैंने यहां पर इस तरह से डॉट से शो किए हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में शेयरिंग हुई थी। शेयरिंग को हम इस तरह बॉन्ड से दर्शाते हैं। इसी तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों
जब साझेदारी करते हैं, यौगिक बनाते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो देखते हैं कैसे यहां पर बोरान के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तीन, एक, दो और यहां पर तीन। इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को मैंने डॉट से दिखा दिया। फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सात। यहां पर बना लेते हैं, इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। इस फ्लोरीन के पास भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। इधर भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ये फ्लोरीन क्या करता है? इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो बोरान भी इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। ये फ्लोरीन भी अपने बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। ये वाला भी अपने बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। बोरान क्या करता है? इन तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है और उससे बी एफ एफ और यहां पर एफ बोरान ट्राइफ्लोराइड बना लेता है। अब ध्यान से देखें तो यहां पर नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए थे, दो ये, दो ये, दो ये और दो ये। हालांकि इन्होंने शेयरिंग में भाग पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब ये जो इलेक्ट्रॉन रह गए जिन्होंने साझेदारी में भाग हिस्सा नहीं लिया है, वो हमने यहां पर डॉट से दिखाया है। इनको, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इधर बोरान ट्राइफ्लोराइड में देखें तो यहां पर दो, दो और ये दो, टोटल होते हैं छह। होने चाहिए थे बोरान की कक्षा में, बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर कितने रह गए? छह। इसके पास अभी भी दो इलेक्ट्रॉनों की कमी रह गई है और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। तो ये क्या करता है? अमोनिया इस बोरान ट्राइफ्लोराइड को ये दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और अमोनिया और यहां पर बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसके पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या करता है? दान करता है। ये जो दान कर रहा है उसकी तरफ पूंछ का इस तीर की तीर का पूंछ वाला हिस्सा रहता है और जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है उसकी तरफ ये तीर का नोक वाला सिरा रहता है। इस तरह का बंध, इनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो गया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को इसको डोनेट किया है तो इनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो गया और इस तरह इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, आबंध का निर्माण हुआ है जिसे हम उपसहसंयोजन बंध कहते हैं। तो आई होप आप सबको उपसहसंयोजन बंध क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजन बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक या संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, इन्हें अंग्रेजी में
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। ये ऐसे यौगिक होते हैं जो जिनमें एक धातु परमाणु, कोई भी एक धातु परमाणु ले ली, जैसे मैंने यहां पर Fe लिया है, ये धातु परमाणु भिन्न भिन्न या फिर एक ही तरह के आयनों से या उदासीन अणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा इस तरह से आवंधित रहते हैं, इस तरह के यौगिकों को जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहा जाता है। ये K4FeCN6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं K4FeCN6। ये एक जटिल यौगिक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर अमोनिया प्रवाहित की जाए तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन अमोनिया के साथ एक संकुल यौगिक या जटिल यौगिक का निर्माण करता है, कॉपर अमोनिया और ये सल्फेट 4। यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लिया और इसके साथ एक जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर लिया। इसमें परिभाषा क्या होगी? वे यौगिक जिनमें कोई धातु परमाणु अनेक या बहुत से आयनों या समूहों, उदासीन अणुओं के समूहों द्वारा उपसंयोजन बंध के द्वारा परिबद्ध रहते हैं या संयोजित रहते हैं, ऐसे यौगिकों को जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहा जाता है। इनकी एक खासियत होती है, अगर इन्हें जल में ब्ले किया जाए, घोला जाए, तब जैसे ये कॉपर टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट है, ये इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो इसका आयनन सिर्फ इतना होता है। यहां से ये सल्फेट है वो अलग हो जाता है और ये आयन अलग रहता है, इसका विखंडन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर ये बहुत सारे जो बंध हैं, उपसंयोजन बंध, वो बहुत ज्यादा हैं और वो इस कारण से बंध ज्यादा होने के कारण ये टूट नहीं पाते और इस कारण से इसका वियोजन आसानी से नहीं हो पाता है। इस तरह के यौगिक जिन्हें जल में घुलने पर उनका पूर्णतया आयनन ना हो और इस तरह के कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक बने, ऐसे कंपाउंड्स को हम जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। ये इस तरह के यौगिकों को समझने के लिए, जिस तरह से हमने कक्षा 11 में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, BSEPR थ्योरी, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को समझने के लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ी थी, इसी तरह से इस तरह के कंपाउंड्स यानी कि जटिल यौगिकों को या संकुल यौगिकों को समझाने के लिए सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी वो वर्नर द्वारा दी गई। एक साइंटिस्ट हैं वर्नर, उन्होंने दी थी
1898 में इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने इसमें मेनली चार पॉइंट कहे थे। वो क्या क्या पॉइंट हैं, तो इन्होंने अपने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए थे। क्या कहा इन्होंने, जो भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो उसमें ये जो धातु होती है, ये धातु दो तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करती है। इन संयोजकताओं को कहा गया प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट, जो प्राथमिक संयोजकता है ये आयनित होती है, मतलब आयनीय होती है, और ये संयोजकता ऋणावेशित या ऋण आयनों द्वारा, ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। जैसे यहीं पर देखते हैं, इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो ये है, और ये प्राथमिक संयोजकता इस आयनीय है ये, और ये ऋणावेशित आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा पॉइंट है, जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता ये आयनीय नहीं होती है या अनआयनीय होती है, मतलब इसे घोला जाए पानी में तो ये आयनित नहीं होती। जैसे ये पार्ट, ये पानी में घोलने पर इसमें से अमोनिया ये पार्ट अलग नहीं हुआ, ये कॉपर के साथ अभी भी बॉन्डेड है। तो यहां पर जो अनआयनीय पार्ट है ये या तो ऋणावेशित समूहों द्वारा, ऋणावेशित आयनों द्वारा या उदासीन अणुओं के द्वारा ये संतुष्ट होती हैं। जैसे यहां पर जो इस वाले एग्जाम्पल में अमोनिया है ये उदासीन अणु है, यहां पर जो साइनाइड है केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित परिबद्ध जो आयन है वो आयन है, साइनाइड आयन होता है ये, और यहां पर जो अमोनिया है ये अणु होता है उदासीन अणु और ये ऋणावेशित आयन है। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा, जो द्वितीयक संयोजकता से परिबद्ध ये मेटल है और ये जो भी समूह हैं जुड़े हुए हैं, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था इन धातुओं द्वारा जुड़े अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो द्वितीयक संयोजकता से परिबद्ध धातु परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है।
जैसे यहाँ पर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार लिगेंड, इनको लिगेंड बोला जाता है या अभी के लिए आयन या अणु जुड़े हैं, तो चार अणु अगर जुड़े हैं तो उसकी जो आकृति है या निश्चित व्यवस्था होती है वो या तो वर्गाकार समतलीय होती है, वर्गाकार समतलीय, या फिर चतुष्फलकीय होती है। इसी तरह से अगर पांच संख्या है तो ये त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। अगर छह है तो अष्टफलकीय संरचना होती है। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया था। बात करते हैं जो एक साधारण यौगिक हैं और जटिल या संकुल यौगिक हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो हम यहां पर द्विक्लवण, द्विक्लवण जिनको अंग्रेजी में डबल साल्ट कहा जाता है, और दूसरी तरफ जटिल या संकुल यौगिक, जटिल यौगिक। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं और फिर इनमें बेसिक क्या अंतर होता है। सबसे पहला जो द्विक्लवण होते हैं, इनकी जो अवस्था होती है वो ठोस होती है। ये ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में फाइंड होते हैं। जटिल यौगिक हैं ये मोस्टली, कुछ तो ठोस अवस्था में भी होते हैं और द्रव अवस्था में भी होते हैं। ये दोनों में फाइंड होते हैं, मोस्टली ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, द्विक्लवण का अगर हम पानी में इनको डिजॉल्व करें तो जल में इनका पूर्णतः वियोजन होता है, पूर्णतः वियोजन हो जाता है, और इनका पूर्णतः वियोजन नहीं होता है। अब ये द्विक्लवण होते क्या हैं? ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों से, दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों का संयोजन, जैसे जैसे पोटास एलम, पोटास एलम, इसे हम साधारण भाषा में फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकरी, जिसका सूत्र होता है K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइज into 24 H2O। यहां पर अगर हम देखें तो ये पोटेशियम सल्फेट ये अलग लवण है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये अलग लवण है, ये दो लवणों का संयोजन है। इसी तरह से मोहर लवण, मोहर लवण, इसमें सूत्र होता है इसका फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2। यहां पर फेरस सल्फेट ये अलग लवण है और ये अमोनियम सल्फेट ये अलग लवण है। इस तरह के जो भी लवण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों का संयोजन होता है, इन्हें बोला जाता है द्विक्लवण। और जटिल यौगिक
ये इस टाइप के यौगिक होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनका जल में पूर्णतया वियोजन नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।